सहारा प्रमुख सुब्रत राय को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी पेरोल की अवधि 24 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। साथ ही कोर्ट ने सहारा को तय वक्त के अंदर 200 करोड़ रुपए जमा कराने का आदेश भी दिया है। आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सुब्रत राय के वकील से पूछा कि वो रोड मैप बताएं कि सहारा किस तरह सेबी को 12,000 करोड़ रुपए चुकाएंगे। इससे पहले 23 सितंबर को कोर्ट ने सुब्रत राय के पेरोल की अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय को हिरासत में लेने का आदेश भी दिया था। हालांकि बाद में फैसले को लेकर अपील की गई तो कोर्ट ने उस आदेश पर रोक लगा दी और सहारा प्रमुख जेल जाने से बच गए। आपको बता दें कि निवेशकों का पैसा ना लौटाने को लेकर सहारा समूह पर कार्रवाई की गई थी। इसके चलते सहारा प्रमुख सुब्रत राय को कई महीनों तक जेल में ही रहना पड़ा था। तो सुब्रत राय के लिए आज का दिन अच्छी खबर लेकर आया है। तमाम कोशिशों के बाद अब आखिरकार सुब्रत राय की पैरोल की अवधि बढ़ा दी गई है। देखते रहिए डीबी लाइव।